ऑर्डर करता है क्या? हाँ, स्पेशल ऑफर थी ना, 200 खरीदने पर एक फ्री। या के थोड़ा किचन भी स्टॉक कर दूं। हाय रॉबर्ट। उनके बारे में एक लाइन भी कही नहीं है, आपके अलावा कोई और जानता है उनके बारे में? सपोज मैं उन्हें ही यहाँ लाकर अपने बारे में बताने लगूं तो कैसा रहेगा? अरे जैम कहाँ है? पता नहीं। सैमी, मुझे मेरे 18 सेंचुरी के पूर्वज से मिलना है, क्या तू उन्हें यहाँ ला सकता है? इससे ज्यादा बोरिंग विश नहीं सूझी तुझे? अरे घर का अम्यूजमेंट पार्क बनाना है तो बोल दे, अभी बना देता हूँ, बॉल कर दूँ क्या? अबे ओ सैमी, सोचना, तू मेरे पर 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 दादा से मिलेगा। यस कूल। अरे यार मेरा जैम कहाँ गायब हो गया? समंदर के अंदर 71 बवंडर, किसने कैप्टन विलियम्स को ठंडी कोठरी में डाला? वेलकम होम कैप्टन। तो ये तुम्हारी करतूत है पागी? मुझ पर हमला करने की हिम्मत? क्यों, अब कहाँ गई तुम्हारी हेकड़ी की टंगड़ी? अरे बच्चों शोर नहीं, बाहर जाकर खेलो। सैमी, जल्दी उन्हें 18 सेंचुरी में वापस भेज दो। डेली सिर्फ एक विश देने का कोटा है, भूल गया? अरे भागो रे बच्चों! अरे बच्चों शोर मत मचाओ। आइस कैंडी खाना चाहोगे? ये बहुत ठंडा है। अरे कहाँ गया मेरा डंडा? मेरी आँख पे चिपका दिया। अरे फिर तलवार ले ली, भागो! चुप जाता हूँ। ना मत, तुम्हारे पास तलवार है तो मेरे पास बंदूक है। ये मेरा गिटार है जिसे कई दुश्मनों को तार तार कर डाला है। समंदर के जलचर देवता की कसम, किस पायरेट गैंग के हो तुम? हम तो आपके ही गैंग के, मतलब आपकी फैमिली है। सिर्फ 7-8 पेड़ी की दूरी पर। मानता हूँ कि हम एक ही फैमिली से हैं। तुम्हारे अंकल बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें रोब थोड़ा कम है। तो बात यह है कि मैं आपको अपने समर प्रोजेक्ट के लिए 21st सेंचुरी में ले आया। ओए केकड़े, अपनी कैंची जैसी जबान को लगाम दे, मैंने 300 सालों से खाना नहीं खाया। ये लोग तो मेरे सारे पॉपकॉर्न डकार गए यार। सीपी का चूरमा बनाओ, ये भुनी कौड़ी से भी ज्यादा कुरकुरा है। वो मेरी रिपोर्ट के बारे में। मेरा है। अबे समुद्री वनस्पति के गुच्छे, तूने मुझ पर हमला किया। इस दड़िया ने मुझे समुद्री वनस्पति का? अरे तो कौन, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, वनस्पति जैसा हरा ही हूँ, वैसे प्यार से मुझे सैमी बोल सकते हो। मेरा सोना कहाँ है? छोड़ूंगा। 300 साल हो गए और मेरे खजाने का नक्शा अब भी यही है। फाइनली अब मेरा प्रोजेक्ट एक्साइटिंग बनेगा। 20 साल की जद्दोजहद, लूट मार, जहाजों पर डाके, अब आएगा मजा। आप ऐसे बोलते हो ना तो आप ना बिल्कुल वो पुराने खूंखार पायरेट जैसे लगते हो। तो पायरेट से तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पायरेट वाली फिल्में और कहानियाँ बहुत पसंद है। ब्रिज क्रॉस करके 100 कदम नाले से बाईं तरफ, फिर काले रिच की गुफा से दोबारा बाएं मुड़कर पुराने बरगद को क्रॉस करो।